नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। यूपी को 3 लाख स्क्वायर फीट परिसर में फैले यूपी के पहले डेटा सेंटर पार्क की सौगात मिलने वाली है। 22 महीने में तैयार किए गए इस डेटा सेंटर की 5000 करोड़ रुपए की लागत है। डेटा सेंटर पार्क शुरू होने के लिए तैयार है। अत्याधुनिक डेटा सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। हीरा नंदानी समूह ने ग्रेटर नोएडा में लगभग 3 लाख वर्ग फीट के परिसर में डेटा सेंटर की विकसित किया है और डेटा सेंटर 31 अक्टूबर से लाइव होने के लिए तैयार है। उल्लेखनीय है कि डेटा सेंटर का शिलान्यास दिसंबर 2020 में किया गया था। 3 जून में आयोजित 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आए हीरा नंदानी समूह के मुखिया निरंजन हीरा नंदानी ने योगी सरकार की नीति और नियत की सराहना करते हुए बताया था कि अगस्त 2020 में उनकी बातचीत उत्तर प्रदेश सरकार से शुरू हुई और अक्टूबर 2020 में हमें जमीन आवंटित हो गई। गाजियाबाद स्थित थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार 5 लोगों ने उसके साथ 2 दिनों तक रेप किया और फिर उसे बोरी में बंद करके सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी कि सड़क किनारे एक महिला बोरी में बंद पड़ी है और इसके बाद पुलिस ने महिला को दिल्ली स्थित GTP अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस की माने तो ये प्रॉपर्टी विवाद का मामला है। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य की तलाश जारी है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस घटना को लेकर गाजियाबाद SSP को नोटिस जारी किया गया है। इस खबर के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के हर तबके के ओ बिना भेदभाव प्राप्त हो, इसका दायित्व जनप्रतिनिधियों व प्रशासन का है। आवश्यकता इस बात की भी है कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जागरूक होकर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहभागी बने। CM योगी आज बुधवार को कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल में 20 करोड़ 27 लाख रूपए की लागत से बने 3.50 किलोमीटर लंबे बाईपास और 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत वाले नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल के कार्यालय भवन का लोकार्पण करने के बाद यहां आज समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रही है। विकास में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। CM ने कहा कि नगर पंचायत में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4,168 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,692 आवास पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ 329 लोगों को PM स्वनिधि योजना की सुविधा मिली है जबकि 750 लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय योजना का लाभ मिला है। साथ ही साथ सामुदायिक व एक पिंक शौचालय का निर्माण किया गया है। इस नगर पंचायत में 338 पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन तथा 152 निराश्रित महिलाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है। उनवल को नगर पंचायत का दर्जा देने के साथ ही लोगों की आवागमन की सुविधा है तो 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बाईपास भी बनवाया गया है। राजधानी लखनऊ से कानपुर तक सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल दिल्ली हावड़ा सेक्शन के प्रस्तावित हाई स्पीड रेल नेटवर्क अगले 10 महीने में लखनऊ से जुड़ जाएगा। इस पटरी के अपडेट होने के बाद लखनऊ से कानपुर के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेनें दौड़ेंगी। रेलवे की माने तो विभाग ने पहले चरण में पटरियों को अपग्रेड करने का काम पूरा कर लिया है और शेष काम को दीपावली के बाद शुरू किया जाएगा। इस चरण में 3 नए पुल कर्व को हटाने, 3 स्टेशनों की यार्ड रिमॉडलिंग और कैब में दिखने वाले आधुनिक सिग्नल सिस्टम पर काम होगा। विभाग ने बताया कि इसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सितंबर 2023 से पहले लखनऊ कानपुर के बीच सुपर फास्ट ट्रेन चलेंगी और यात्रियों को लखनऊ से कानपुर की दूरी महज 40 मिनट में दूरी तय कर लेंगे। पश्चिमी यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद आज 19 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात के बाद सहारनपुर का ये दिग्गज नेता पार्टी का दामन थाम रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद अखिलेश ने इमरान मसूद की जगह मौर्य को विधान परिषद भेज दिया और तभी से वह सपा से नाराज चल रहे थे और आज उनके करीबियों ने उनके बसपा में जाने की बात पर मोहर लगा दी है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम TV।